कुछ दिन पहले की बात है कि नीलू चिड़ा सस्सी नाम की चिड़िया से शादी करके उसकी डोली अपने दूसरे जंगल लेकर आ रहा था कि रास्ते में उसे काना कौवा देखता है और कहता है, अरे वाह, क्या बढ़िया बारात जा रही है, इसको लूटने में मजा आएगा, क्या खूब गहने हैं। ऐसा कहकर काना कौवा तेजी से उड़ता हुआ उस बारात का पीछा करता है। नीलू चिड़ा अभी डोली लेकर जंगल के बीच पहुंचता है कि काना कौवा उन्हें रोक लेता है। ए बारात वालों, रुको, इस चिड़िया के सभी गहने उतार कर मुझे दे दो, वरना मैं इस चिड़िया को जान से मार दूंगा। नहीं नहीं भाई, हमने इसके गहने नहीं देने हैं, जाओ तुम जो करना है कर लो, हम इतने भी भोले नहीं हैं, जाओ हम नहीं गहने देने वाले। अच्छा तो देखो अभी क्या करता हूँ मैं। ऐसा कहकर काना कौवा उड़ता है और नीलू चिड़ा का नीचे गिराकर सस्सी चिड़िया को उठाकर उड़ जाता है। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दादाजी, काना कौवा ने मुझे किडनैप किया हुआ है और ये मुझे छोड़ने का एक बोरी दानों की मांग रहा है, प्लीज मुझे बचा लें दादाजी, जल्दी आ जाएं। सोनो चिड़िया अपने दादाजी से बातें कर रही होती है कि काना कौवा उससे मोबाइल छीन लेता है। सुन बे बुड्ढे, अगर तुमने सोनो चिड़िया को बचाना है तो एक बोरी दानों की लेकर इस जंगल के बीच में आ जाओ, वरना मैं इस सोनो चिड़िया को जान से मार दूंगा। काना कौवा की धमकियां सुनकर दादाजी कहते हैं, ओ नाना पुत्रा, मेरे बच्चे नु खुश ना आकी, मैं आ रहा तेरे को दाणिया की बोरी लेके, मेरी पुत्री नु खुश ना आकी। ऐसा कहते हुए दादा कौवा काना कौवा को ढूंढते हुए जंगल में चला जाता है। दादाजी के आने से पहले पुलिस वाला कौवा वहाँ पर पहुँच जाता है। अबे ओ काने, बनते हो बड़े शाने, इस चिड़िया को छोड़ दो वरना तुम्हें गोलियों से भून दूंगा। ऐ पुलिस वाले, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं, मुझे पिस्तौल दिखाता है, हिम्मत है तो चला गोली। काना कौवा के ऐसा कहते ही पुलिस वाला कौवा गोली चला देता है और काना कौवा वहीं पर ढेर हो जाता है। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।